नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि अगरबत्ती को घर, दफ्तर या दुकान आदि स्थानों पर, पूजा पाठ या किसी अन्य समय पर हमें क्यों नहीं जलाना चाहिए। हिंदू धर्म में दोस्तों पूजा पाठ का बहुत खास महत्व है और लोगों द्वारा हर सुबह शाम घर, दफ्तर, दुकान आदि स्थानों पर भगवान के आगे या पूजा पाठ के दौरान धूप, दीप और अगरबत्ती जरूर जलाई जाती है, क्योंकि इसके बिना कोई भी पूजा विधि अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, लोगों में यह मान्यता है कि अगरबत्ती का धुआं घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और इससे घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध होता है। लेकिन दोस्तों, शायद इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि पूजा पाठ के दौरान धूप का प्रयोग करना तो उचित है, लेकिन अगरबत्ती का प्रयोग करना अनुचित होता है। शास्त्रों के अनुसार घर, दफ्तर, दुकान आदि स्थानों पर अगरबत्ती जलाना बहुत अशुभ माना जाता है और यह वर्जित भी है। इसके अलावा दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ और भी कई कारण हैं जिनके अनुसार अगरबत्ती को उन स्थानों पर कभी नहीं जलाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसे वो कौन कौन से कारण हैं जिनके अनुसार अगरबत्ती को घर, दफ्तर, दुकान आदि स्थानों पर कभी नहीं जलाना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों, घर, दफ्तर, दुकान आदि स्थानों पर पूजा अर्चना या किसी अन्य समय पर अगरबत्ती कभी नहीं जलानी चाहिए। दोस्तों, इसका कारण यह है कि अगरबत्ती में बांस का प्रयोग होता है। अगरबत्ती में जो तीली या लकड़ी होती है वह बांस की बनी होती है। दोस्तों, अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो हम बांस को भी जलाते हैं, लेकिन दोस्तों हिंदू धर्म में बांस को जलाना बहुत अशुभ माना जाता है और यह वर्जित भी है। हिंदू धर्म के लोगों द्वारा बांस का प्रयोग किसी भी पूजा पाठ या हवन आदि में नहीं किया जाता, जहां तक कि मरने के बाद मुर्दा व्यक्ति को शमशान तक ले जाने के लिए अर्थी में बांस की लकड़ी का प्रयोग होता तो है, लेकिन उसे भी मुर्दे के साथ चिता में नहीं जलाया जाता। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि के अनुसार बांस की बनी अगरबत्ती को घर या दफ्तर आदि स्थानों पर जलाना बहुत अशुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पूजा अर्चना के दौरान अगरबत्ती ना जलाने के संबंध में एक कारण यह भी है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं भी अगरबत्ती को पूजा अर्चना में जलाने का उल्लेख नहीं मिलता। शास्त्रों में सब जगह धूप दीप जलाने की ही बात कही गई है। अगरबत्ती को जलाने के संबंध में किसी भी ग्रंथ में कुछ नहीं लिखा। इस कारण भी दोस्तों, घर, दफ्तर, दुकान आदि स्थानों पर अगरबत्ती को कभी नहीं जलाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भी दोस्तों, बांस से बनी अगरबत्ती को घर या दुकान में जलाना बहुत नुकसानदायक और घातक माना जाता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि जब अगरबत्ती जलाई जाती है तो उसमें मौजूद बांस भी जलने लगता है। जब बांस जलता है तो इसके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं। यह गैसें स्वास्थ्य तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसके साथ ही अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं भी कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। इसके अलावा दोस्तों, बांस की अगरबत्ती की तीली पर केमिकल का लेप होता है। इस केमिकल में अगरबत्ती को खुशबूदार बनाने के लिए सेंट मिलाया जाता है। दोस्तों, जब अगरबत्ती जलती है तो उसमें बांस के साथ साथ केमिकल यानी सेंट भी जलता है। दोनों पदार्थों के जलने पर इसमें से हानिकारक तत्व और गैसें निकलती हैं जो सांसों के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य को बेहद नुकसान पहुंचता है। इसी कारण दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भी बांस से बनी अगरबत्ती को घर, दफ्तर, दुकान आदि स्थानों पर कभी नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों या पूर्वजों के अनुसार भी पूजा पाठ या आरती के दौरान अगरबत्ती को कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि जिस घर में बांस या बांस की बनी किसी चीज़ को जलाया जाता है तो ऐसे घर का वंश आगे नहीं बढ़ता, यानी कि ऐसे घर में वंश की वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों, इसके संबंध में एक कहावत भी प्रचलित है कि बांस को जलाने से वंश भी जलता है, यानी कि वंश का नाश हो जाता है। इसलिए दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के अनुसार भी बांस की बनी अगरबत्ती को घर या दुकान में जलाना वर्जित है। इसके अलावा दोस्तों, जिस घर में बांस की बनी अगरबत्ती का प्रयोग होता है ऐसे घर में किसी न किसी तरह की समस्या हर समय रहती है। ऐसे घर के लोगों को पूजा पाठ का उचित फल नहीं मिलता, बल्कि ऐसे घर में पितर दोष उत्पन्न होता है। पितर दोष से दोस्तों घर में आर्थिक और वंश की वृद्धि से संबंधित मुश्किलें आती हैं। इसलिए दोस्तों, इन कारणों के कारण भी घर या दफ्तर में बांस की अगरबत्ती को कभी नहीं जलाना चाहिए। चीन के वास्तु फेंगशुई के अनुसार भी दोस्तों, बांस या बांस से बनी किसी चीज़ को जलाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में बांस को किसी भी रूप में जलाता है तो इससे उसके भाग्य का नाश हो जाता है, क्योंकि फेंगशुई के अनुसार इस पौधे को बहुत लक्की माना जाता है। इस पौधे को अच्छे भाग्य,
अच्छे स्वस्थ समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। उनके अनुसार इस पौधे का किसी भी घर या दफ्तर आदि में होना भाग्य में वृद्धि कराने वाला माना जाता है। इसलिए दोस्तों फेंगशुई के अनुसार भी बांस या बांस से बनी किसी चीज़ को जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इन कारणों के जरिए समझ में आ गया होगा कि अगरबत्ती को घर और दुकान में जलाना कितना नुकसानदायक होता है। दोस्तों बहुत सारी अगरबत्तियों को जलाकर हम भगवान को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन दोस्तों इन प्रार्थनाओं का फल चाहे हमें मिले ना मिले, लेकिन हमें हानिकारक गंध से तत्काल या तुरंत ही मिल जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी अगरबत्ती जलाते हैं तो अच्छा होगा कि या तो आप अगरबत्तियों की मात्रा में कमी कर दें, या अगरबत्तियों के संपर्क में कम आए, या फिर केवल धूप या घी का दिया ही जलाएं, ताकि आपके स्वास्थ्य पर इनका कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े और आप हमेशा सुरक्षित रहें। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।